सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुश मांडा अकेडमी में। और आज का टॉपिक है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स जिसको हिंदी में पर्यायवाची भी कहा जाता है, एक जैसा मतलब होता है जिन शब्दों का। तो एग्जाम का नाम है जिसके लिए हम बात करेंगे वो है आपका हरियाणा नायब तहसीलदार एग्जाम। हरियाणा नायब तहसीलदार एग्जाम के लिए बात होगी और कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स, क्योंकि सिनोनिम्स में इतने सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, तो हम कौन सा करें कौन सा ना करें तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे सामने। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आपका स्कटल, तो सॉलिटरी और सुपरफिशियल, सूथिंग और ब्रेजियर। तो पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये होता है कोयला रखने की टोकरी। स्कटल जो है आपका कोयला रखने की टोकरी। तो आप मेरे साथ साथ जो है इसको करने की कोशिश कर कीजिए। आप बहुत टाइम से इंग्लिश पढ़ते हो और वो कैप का बड़ा रोल होता है। जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पर ये फ्री के से जो है मार्क्स होते हैं, अगर आपको आता है तो। और ये लर्न करने पड़ते हैं, ठीक है, आपको याद करने होंगे बार बार। तो अगर हम इसको देखें कोयले रखने की टोकरी, तो चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में कौन सा है जिसका मतलब भी ऐसा ही कुछ होता है? तो इसमें आपका जो फोर ऑप्शन है ब्रेजियर, ब्रेजियर का मतलब होता है आपका अंगीठी, ठीक है, अंगीठी होता है। सॉलिटरी होता है आपका एकांत, ठीक है। सूदिंग होता है आपका आराम देना। तो इसका जो है ना आपका ये फोर वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप मेरे साथ साथ भी इनके आंसर्स करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप लर्न कीजिए। नेक्स्ट है आपका, अगला आपका लोक्वाशियस। तो इसका मैं हिंदी में मतलब बता देता हूँ होता क्या है, उसके बाद फिर आप इसका कोशिश करना कि क्या हो सकता है। तो इसको लोक्वाशियस को बोलते हैं हम बातूनी, ना बहुत ज़्यादा बातूनी, वाचाल भी बोलते हैं हिंदी में, वाचाल या बातूनी, ठीक है। तो इसका पर्यायवाची आपने देखना है, चार ऑप्शन है टोकेटिव, फोलिशनेस, ग्रेसफुल और एंटरटेनर। तो सबने जवाब दे दिया है टोकेटिव, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका टोकेटिव, बिल्कुल ठीक बात है। बाकी फोलिशनेस होती है आपकी मूर्खता, ग्रेसफुल होता है आपका आकर्षक और एंटरटेनर होता है मनोरंजन करने वाला, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने सवाल का जवाब दे दिया था, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, आर्टिकुलेट, ठीक है। तो हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है तो सिनोनिम्स की बात चल रही है। तो आर्टिकुलेट का सिनोनिम, तो आर्टिकुलेट का मतलब मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। आर्टिकुलेट है स्पष्ट रूप से कहना, स्पष्ट रूप से कहना, स्पष्ट रूप से कहना आर्टिकुलेट। तो चार ऑप्शन है आपका डोमिनेट, डिस्टिंक्ट, हेल्पर्स और अनस्टीडी। तो जवाब आ गए हैं इसका, तो सेकंड ऑप्शन है डिस्टिंक्ट होता है सुस्पष्ट बोलना, ठीक है ना, सुस्पष्ट बोलना। तो इसका बी ऑप्शन है। तो जो आपके जिन हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, इन्हें याद करने में बड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा फिर भी आप जो है ना इनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। और क्वेश्चन नंबर फोर, असेंट, ठीक है, असेंट, असेंट का हिंदी में मतलब है आपका चढ़ना, ठीक है। और इसका हमने पर्यायवाची देखना है, सिनोनिम देखना है, तो ले, क्लाइंब और वीकन और वॉइड। हाँ बिल्कुल ठीक जवाब है, क्लाइंब, सब ने क्लाइंब कर दिया है, सेकंड ऑप्शन है, आसान था। और अगला है आपका लिथार्जी, लिथार्जी, और लिथार्जी होता है आपका सुस्ती, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एक्टिविटी, हो ही नहीं सकता, ड्रोजी, मोडेस्ट और प्लीजर। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ड्रोजी, इसका भी होता है आलस्यपूर्ण, आलस्यपूर्ण इसका मतलब है, आसान था, कई स्टूडेंट ने सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, और हुडविंक, हुडविंक, और इसका मतलब मैं बता देता हूँ हिंदी में क्या होता है, चालाकी करना, चालाकी करना। तो आप देखिए चार ऑप्शन है आपका डिफ्रॉड, इलिसिट, सीक्रेट। देखो जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो जान लें। तो सिक्स है आपका, और इसमें जो है चालाकी करना। तो इसमें जो आपका डिफ्रॉड है, डिफ्रॉड होता है छल से लूटना। तो इसका जो पर्यायवाची है आपका चालाकी करना या छल से लूटना, डिफ्रॉड करना। बाकी जो आपका सीक्रेट है, इसमें सीक्रेट का मतलब होता है भेद या गुप्त, इलिसिट होता है अवैध, और स्टेयर होता है आपका घूरना। तो करेक्ट आंसर है इसका पहला।
क्वेश्चन नंबर 7, मोनोटोनस, मोनोटोनस को हिंदी में कहते हैं नीरस, नीरस कहते हैं, तो पर्यायवाची ढूंढना है हमने, मोनोटोनस का सिनोनिम ढूंढना है। चार ऑप्शन है आपका डल और टिमिड, अनफ्रेंडली और लस्टी, तो इसका ना नीरस, नीरस यानी कि सुस्त, तो डल से मिल जाएगा आपका, डल का मतलब भी सुस्त होता है, नीरस या सुस्त, ठीक है। बाकी जो आपका टिमिड है, टिमिड होता है बुजदिल या घबराने वाला, अनफ्रेंडली होता है अमित्रतापूर्ण, और लस्टी होता है जोरदार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। इलूजिव, इलूजिव का मतलब है हिंदी में दुराग्रह, ठीक है, दुराग्रह, और इसमें जो फोर ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, तो एक है आपका बैफलिंग, एंटाइसिंग, डायरेक्टिंग और सूथिंग। तो जो आपका बैफलिंग है, इसका मतलब ये होता है चक्कर में डालना, चक्कर में डालना, ठीक है। तो बाकी जो डायरेक्टिंग है आपका, इसको निर्देश देना होता है, और एंटाइसिंग होता है मोहक, सूदिंग होता है आरामदेह, ठीक है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए दुर्गा करके, तो इसका फर्स्ट है आपका ऑप्शन, इसका तो चक्कर में डालना। क्वेश्चन नंबर 9, मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुअस, और इसको हिंदी में कहते हैं मधुर, ठीक है, सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, और ये आपने लर्न करने होते हैं, और मैं सिनोनिम्स के इम्पोर्टेंट जो है आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो चार ऑप्शन है आपका शिवर, फ्रैंक, इमोरल और डल स्कैट, तो इसमें इसका मतलब होता है आनंद में, जो फोर है आपका आनंद में मतलब होता है इसका, ठीक है। तो फ्रैंक होता है स्पष्टवादी, इमोरल होता है अनैतिक, शिवर होता है कांपना, तो आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, डोज, तो डोज के लिए चार ऑप्शन है आपका सोफन, ऑर्डर, अवॉइड और चाउटिक। तो डोज को हिंदी में कहते हैं कतराना, कतराना, ठीक है ना, अब इसका जवाब बताओ। तो हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है अवॉइड, अवॉइड करना भी होता है आपका बचना, ठीक है, टालना या कतराना, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का हिंदी मतलब बता देता हूँ, फिर शायद आप इसका जवाब बता दो। यह है आपका एट्रोसिटी या अत्याचार, तो पर्यायवाची इसका क्या हो सकता है, डिफिकल्टी, बारबेरिटी, शाई और ग्लूमी। हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका बारबेरिटी, बारबेरिटी होती है क्रूरता। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोक्रेस्टिनेट, और इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, विलंब करना, विलंब करना। क्वेश्चन नंबर 12, चार ऑप्शन है इसके, डाइवर्ट और डिसीव और डिबेस और डिले, क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका जो फोर है आपका डिले, सही जवाब है आपका बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 13, सकुलेंट, सकुलेंट को हिंदी में कहते हैं रसीला, रसीला, तो सकिंग, जॉफ्ट, सॉफ्ट, जूसी और पेल। हाँ बिल्कुल ठीक बात है आपका, जूसी करेक्ट आंसर, जूसी भी जो होता है वो भी रसदार होता है, रसदार। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्ग्रेगेशन, तो चार ऑप्शन है आपके, पहले मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ, इसका मतलब होता है सभा या एकरति, एकत्रीकरण, एकत्रीकरण, तो डिस्कशन, अटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और असेंबली। देखो हिंदी पता चलते ही आप सवाल का जवाब करेक्ट कर देते हो, बिल्कुल फोर ऑप्शन हो जाएगा इसका चौथा। और अगला है आपका फ्रायवो वुलस, ठीक है, फ्राई वुलस, तो क्वेश्चन नंबर 15, चार ऑप्शन है आपके, और इसका मतलब बता देता हूँ, गंभीरता से विचार ना करने वाला, फ्राई वुलस है आपका गंभीरता से विचार ना करने वाला, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें एक है आपका प्यूराइल, प्यूराइल जो है इसका मतलब होता है बचकाना, है ना, बचाना, बचकाना, जिसको हम चाइल्डिश बोल देते हैं, बचकाना, ठीक है। तो और तो ये इसका ऑप्शन होना चाहिए तीसरा वाला, बाकी जो आपका कैप्शियस, कैप्शन के लिए यूज होता है, वाइज हो गया सूचना देना, स्पिरिचुअल, अध्यात्मिक, तो इसका तीसरा ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, पेट्रीफाई, पेट्रीफाई पूछा गया है, चार ऑप्शन है, पेट्रीफाई का मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको, तो हिंदी में है आपका अश्मीकृत होना,
होना, ठीक है, तो या इसको हम कह सकते हैं कठोर होना, कठोर होना, तो कठोर होना इन चारों में हार्डन से जुड़ता है, ठीक है, इसका मतलब भी होता है कठोर होना। क्वेश्चन नंबर 17, और यह है आपका ड्राई वेल, तो इसका मतलब होता है बकवास करना, ठीक है, हम पर्यायवाची सिनोनिम्स कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें आप देखिए, तो एक है आपका इंटेलिजेंट, ब्लेथर, जुडिशियस और सेन, दो तो आपको समझ में आ रही है, तो हो ही नहीं सकते, एलिमिनेशन से भी बहुत बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाती है, तो जो आपका ब्लेथर है इसका मतलब भी बकवास करना ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस, तो प्रिजर्वेंस में चार ऑप्शन है आपके, हालांकि प्रिजर्वेंस का मतलब बता देता हूँ, प्रिजर्वेंस का मतलब है आपका लगन या दृढ़ता, लगन या दृढ़ता, तो अब आप इसमें ऑप्शंस देख सकते हो, एंड्यूरेंस, कावडाइस, लिथार्जी और इंडोलेंस, ठीक है, तो जो आपका एंड्यूरेंस है आपका, ठीक है, तो वो इसका जो है सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि कावडाइस होता है कायर था, और लिथार्जी होता है सुस्ती, और इंडोलेंस होता है आपका आलस्य, ठीक है, तो यहाँ पर प्रिजर्वेंस का है आपका एंड्यूरेंस। क्वेश्चन नंबर 19, मोरोज, तो इसका मतलब है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा मतलब है इसका मोरोज का, चार ऑप्शन है, फ्लैटर, ग्लूमी, सेवी, फ्रेंडली, तो इसमें जो है ना ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है निराशाजनक, निराशा जनक, और फ्लैटर होता है आपका चापलूस, चापलूसी करना, और फ्रेंडली होता है मित्रता करना, और आपका सेवी होता है जानकर, तो इसका ऑप्शन सेकंड ही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इंसेंस्ड, इंसेंस्ड की हिंदी होती है आपकी गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना, चार ऑप्शन है आपका, एक्सटेटिक और एक्स परेटिड और इलेटेड और ब्लीथ, तो चार ऑप्शन में जो आपका सेकंड ऑप्शन है आपका, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका एक्सटेटिक, तो इसका मतलब होता है उल्लासित, ठीक है ना, या उत्तेजित करना। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसेंड, ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब होता है वस्तु की सीमा का अतिक्रमण करना, ठीक है, तो वस्तु की सीमा का अतिक्रमण करना या बढ़कर होना, से बढ़कर होना, तो इसमें एक है आपका एक्लिप्स है, और एक है फिजल, एबोर्ट, और आपका है ब्लंडर, तो इसके लिए जो है आपका ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यही इसका है आपका एक्लिप्स, ट्रांसेंट का एक्लिप्स होता है, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है, सिनोनिम्स की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, और ये आपका कैंटेंग केरस, तो इसमें चार ऑप्शन है, ह्यूमरस, क्वारलसम, रिमोर्सफुल, डलनेस, पहले मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ, तो इसका मतलब होता है आपका झगड़ालू, ठीक है, झगड़ालू, झगड़ालू इसका मतलब होता है, या चिड़चिड़ा, और तो सही जवाब आ गया आपका क्वारलसम, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 23, और कौन नॉइस यूअर, तो चार ऑप्शन है, पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ हिंदी में, परीक्षक या पारखी, परीक्षक या पारखी, तो चार ऑप्शन है इसमें आपका, डिसीजिव, अनसिविलाइज्ड, डिसर्निंग जज और नैनो माइंड, तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है उसका मतलब भी जो है आपका पारखी या परीक्षक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ओपुलेंट, ओपुलेंट को हिंदी में कहते हैं भव्य या कीमती, भव्य या कीमती, तो फेक नहीं हो सकता, ग्लूमी नहीं हो सकता, रिच हो सकता है, ठीक है, सेल्फिश भी नहीं हो सकता, आपका थर्ड है आपका रिच। क्वेश्चन नंबर 25, एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का हिंदी होता है आपका भावपूर्ण, भावपूर्ण, ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है आपके, एक है आपका फ्लुएंट, और फ्लुएंट को बोलते हैं हिंदी में आपका वाक् पटु, और एक है आपका इग्नोरेंट, इग्नोरेंट होता है अज्ञानी, रूड होता है आपका अशिष्ट,
और सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण। तो जो कुछ हमें थोड़ा सा मेज हमें जो करता मिलता है वो आपका फ्लुएंट है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, नेफारियस, नेफारियस को हिंदी में कहते हैं अति दुष्ट एफारियस। तो इसमें चार ऑप्शन है आपका, एक है आपका इन इन इक्विटस, इन इक्विटस होता है आपका अन्यायपूर्ण, और पर्पसफुल, पर्पसफुल होता है आपका उद्देश्यपूर्ण, सस्पिशियस होता है संदेहजनक, और विशियस होता है, वर्चुअस होता है आपका चरित्रवान। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, वैसिलेट, तो इसको हिंदी में कहते हैं आपके हिचकिचाना, हिचकिचाना, ठीक है, हिचकिचाना या निश्चय ना कर पाना, ठीक है, नहीं निश्चय ना कर पाना। तो चार ऑप्शन है, कंटिन्यू, प्लेफुल और कंक्लूसिव, इसका डी है आपका इरिसोल्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल नया न्यू क्वेश्चन है आपका इंडोमिटेबल, और 1, 2, 3, 4 चार ऑप्शन है, और ऑप्शन देख लेते हैं पहले, इसका मतलब देख लेते हैं। तो ये होता है आपका अजय, अजय, ठीक है, इंडोमिटेबल होता है अजय। तो आपका अनक्वेरेबल, कंफ्लिक्टिंग और फाल्सिफिकेशन और इंटरमिटेंट, तो इसका पहला ऑप्शन है आपका अनक्वेरेबल अजय, इसका मतलब भी अजय ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29, परनीसियस, परनीसियस होता है आपका हानिकारक, ठीक है, हानि कारक। तो चार ऑप्शन है, बेनिफिशियल, डेंजरस, एडवांटेजियस और इनोक्यूअस। तो 29 का आप देखते जवाब दे दिया आपने, डेंजरस। 30 है आपका स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट को हिंदी में कहते हैं कठोर या सख्त, कठोर या सख्त कहा जाता है। तो अनोइंग, रिवेंजफुल, इंसिडेंटलर और रिग्रस, तो इसका जवाब है आपका रिग्रस। तो ये होता है, ये भी आपका सख्त ही होता है इसका जवाब भी। तो हम सिनोनिम की बात कर रहे हैं पर्यायवाची की इंग्लिश में। अगला आपका रेवेज, और रेवेज को हिंदी में कहते हैं बर्बाद कर देना, बर्बाद कर देना, रेवेज। चार ऑप्शन है आपके, सरेंडर, कंस्ट्रक्ट, डैमेज, तो उसका डी सी ऑप्शन है आपका डैमेज। क्वेश्चन नंबर 32, रेविश, तो इसको हिंदी में कहते हैं मंत्र मुग्ध होना, मंत्र मुग्ध होना, मंत्र मुग्ध होना, क्वेश्चन नंबर 32। और इसके अलावा इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका एंथ्रॉल, इसका मतलब भी आपका मंत्र मुग्ध होना होता है, मंत्र मुग्ध होना। और बाकी जो है उन्हें आप रहने दीजिए। रिपल्स का मतलब होता है ठुकरा देना, ऑफेंड का होता है ठेस पहुंचाना, डिप्रेस का उदास होना। तो सेकंड ऑप्शन है इसका। अगला है आपका वाइन, WHIN, तो इसको हिंदी में कहते हैं कराना, कराना। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ग्राइप, ये ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है, ग्राइप, पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 34, रेक्विजिट, रेक्विजिट होता है आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु। और चार ऑप्शन है इसमें आपके सामने, पेरिफेरल और डेडवुड, ठीक है, नहीं, और उसके अलावा है आपका ट्रिवियल, और एक आपका है प्री कंडीशन, ठीक है ना, ठीक है। तो प्री कंडीशन इसका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 35 आपका फिश्योर, तो फिश्योर को हिंदी में कहते हैं दरार, तो आप देख सकते हो दरार में एग्लूटिनेट, ब्लेंड, क्लीवेज और एंटवाइन, तो इसका सी ऑप्शन है आपका, क्लीवेज, चीर बोलते हैं हिंदी में से। और 36 का है आपका मोरबिड, मोरबिड को हिंदी में कहते हैं रोगग्रस्त, रोगग्रस्त। अब चार ऑप्शन देख लेते हैं हम, पहला है आपका घासली, एनिमेटेड, बोयंट और जोंटी। तो जो आपका है ये घासली, ठीक है, एनिमेटेड, एनिमेटेड हो नहीं सकता, अनुप्राणित होता है, बोयंट होता है, तरुणशील, जोंटी होता है, मस्ती भरा। हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं, बचता है आपका पहला ऑप्शन, तो ये है आपका घासली, इसका मतलब भी जो है बेकार या भयंकर होता है। क्वेश्चन नंबर 37,
और ये आपका है बिली ग्रेंट, क्वेश्चन नंबर 37। इसका मतलब होता है लड़ाकू या योद्धा, लड़ाकू या योद्धा। तो आपका ऑप्शन है आपका एंटागोनिस्टिक, कोऑपरेटिव, डैंडी और डिलाइटफुल। तो बिली ग्रेंट का आपका फर्स्ट ऑप्शन आता है आपका एंटागोनिस्टिक, बाकी कोऑपरेटिव होता है सहयोग करना, डैंडी होता है सुहाना, डिलाइटफुल होता है आपका सही, ये डिलाइटफुल सहयोग करना, और डैंडी होता है आकर्षक। क्वेश्चन नंबर 38। इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट को हिंदी में कहते हैं लापरवाह, लापरवाह या अविवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण। तो पहले वो ऑप्शन से पता चल रहा है क्या हो सकता है आपका केयरलेस। क्वेश्चन नंबर 39। एबियंस, एबियंस को हिंदी में कहते हैं रुकाव या स्थगन, स्थगन या रुकाव। चार ऑप्शन है आपका कमेंसमेंट, प्रिपर्ज्योर, कंडोन, सस्पिशन। तो सस्पिशन, सस्पेंशन जो है आपका, ये भी स्थगन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 40, और ये आपका है डोंट लेस। क्वेश्चन नंबर 40, डोंट लेस, तो इसमें हिंदी में इसका मतलब होता है निडर। अगर आप उसका मतलब पता है हिंदी में फिर तो आप कर लोगे, ब्रेव ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब है आपका अतिरिक्तता, रिडंडेंसी, अतिरिक्तता। तो फर्स्ट है आपका एब्सेंस, डियर्थ और पॉसिटी और एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 41, तो एक्सेस ही होगा, सबने जवाब दे भी दिया है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 42, इनहिबिटर। देखो ये जो सब सवाल बात कर रहे हैं नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए कर रहे हैं, सिनोनिम्स की बात हो रही है, फैक्चुअल है, और आपके एग्जाम में आएंगे, सब आएंगे, और आपने लर्न करने पड़ेंगे। सिर्फ 100 क्वेश्चन से आप जो है ना हरियाणा में नायब तहसीलदार बन सकते हो, ठीक है? क्योंकि एसएससी निकालने के लिए, क्लर्क बनने के लिए आपको 3 एग्जाम पास करने पड़ते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा जैकपॉट नहीं लगने वाला, मेहनत कर लीजिए थोड़ी सी अच्छे से, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, तो इनहिबिटर हिंदी में कहते हैं इसे समर्थन करना। तो समर्थन करना, चार ऑप्शन है आपके एडवोकेट, सब्सिडी और अवॉइडेंस, ठीक है? तो एडवोकेट का मतलब जो है ना, अगर हम वर्ग में यूज करते हैं तो समर्थन करना ही होता है, फर्स्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43, बायोस्टेरस, इसको हिंदी में कहते हैं परलयकारी, हिंदी में कहा जाता है इसको परलय, कोहराम मचाने वाला, परलयकारी, ठीक है? तो क्लेमरस का मतलब होता है आपका कोलाहलपूर्ण, कोलाहल पूर्ण, ठीक है? बाकी जो आपका ये फेरोसियस है, इसका खुखार मतलब होता है, और फिसी पेरस होता है पृथकतावादी, वॉल्यूमिनस होता है प्रचुर या भारी मात्रा में। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा कोलाहल पूर्ण। नेक्स्ट है आपका हैगार्ड, हैगार्ड को हिंदी में कहते हैं सूखा हुआ, थका हुआ, ठीक है? कमजोर, सूखा या थका होगा हैगार्ड। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इनसेंट तो होता है आपका पागल, और रिजेक्टेड होता है आपका अस्वीकृत, और रिडिकुल कूल होता है उपहास करना, लेकिन सूखा और थका हुआ यानी कि कमजोर का जो मतलब है आपका वो इमेशिएट से निकलता है, ठीक है? नहीं, इसका मतलब कमजोरी होता है, कमजोर या दुर्बल। क्वेश्चन नंबर 45, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का हिंदी में मतलब होता है पश्च, ठीक है? नहीं, पश्च होता है। तो पोस्टीरियर का जो है आपका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा आपका डोर्सल, ठीक है? डोर्सल, तो डोर्सल भी जो है ना इसका मतलब भी पश्च या पृष्ठीय होता है। क्वेश्चन नंबर 46, इम्फेसिस, इम्फेसिस होता है आपका हिंदी में महत्व, और इसमें चार ऑप्शन है आपके इग्नोरेंस, लिथार्जी और ट्रिवियलिटी, सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 46, तो महत्व है आपका 4, सही जवाब है लिटर, ठीक है? इसको हिंदी में कहते हैं बखेरना या कूड़े की तरह बखेरना, ठीक है ना? बखेरना, तो बखेरने में ट्रैश ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट की बात करते हैं तो
ऑब्लिटेट का मतलब होता है धुंधला कर देना या मिटा देना, मिटा देना या धुंधला कर देना। क्वेश्चन नंबर 48। तो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्ट, तो संकुचित करना, एनिहिलेट का मतलब होता है मिटा देना या धुंधला करना, ये जवाब हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन नंबर 49, ये आपका है फॉलेसी। फॉलेसी में चार ऑप्शन है आपके, कन्फर्मिटी, श्योरिटी, बायस और एविडेंस। तो फॉलेसी जो होता है आपका भ्रम दोष मुक्त, ठीक है, और बायस जो होता है आपका दबाव डालना, इसका आपका थर्ड ऑप्शन आएगा फॉलेसी का। क्वेश्चन नंबर 52, रीप्रोच, टू रीप्रोच, और इसमें जो है आपका दो तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन है, हालांकि मैं इसके ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। तो रिप्रोच का मतलब होता है दोष लगाना, दोष लगाना, और फोर ऑप्शन है इसमें, टू कमेंट, टू लाउड, टू एक्सोनिरेट, टू एडमोनिश। तो एडमोनिश का मतलब जो है आपका ये डांटना, ठीक है, नहीं डांटना होता है। तो उसका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।